इस वक्त हम लोग भंगेल के कन्या इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आज सीपी लक्ष्मी सिंह ने यहाँ पे पिंक बूथ का इनॉग्रेशन किया है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पिंक बूथ क्या है। प्राउड आ रहा था कि ये हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे बनाया गया है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप इधर आके बिना हिचकिचाए बोल सकते हो। अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हो किसी को या आप नहीं आ सकते यहाँ तक, तो आप हेल्पलाइन नंबर डाल सकते हैं 1090। कोई परेशानी होती है तो कौन से नंबर पे कॉल करोगे? 1090। बाकी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आके उन्हें कॉल करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। समय बदलने के साथ भी महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भी अभी भी सवालों के घेरे में होती है। भले ही लोग कितने भी वादे करें, पॉलिटिशियन कितने भी वादे करें, पुलिस कितने भी वादे करें, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं जो होती हैं अपनी परेशानी लेकर पुलिस के पास जाती है, लेकिन कई महिलाएँ झिझक की वजह से पुलिस के पास नहीं जा पाती हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने को लेकर जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पिंक बूथ जो बनाने को लेकर काम शुरू किया है। ऐसे में आज हम भंगेल में एक पिंक बूथ है उनको उसका इनॉग्रेशन आज हुआ है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये एक्चुअली में जो पिंक बूथ है वो क्या है और क्या क्या सुविधाएँ जो है वो महिलाओं को वो प्रोवाइड करेगा, और जो पुलिस कर्मी है वो कैसे जो महिलाएं उनकी परेशानियों को सुनेंगे, और कैसे ही ये पिंक बूथ जो है वो नॉर्मल जो चौकी है या थाना है उससे अलग है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पिंक बूथ क्या है। ये पिंक बूथ पिंक कलर का पूरा किया गया है, इसमें पेंट किया गया है, क्योंकि पिंक कलर जो है उनका कहना है कि पिंक को लेकर जो लड़कियां हैं सबसे ज़्यादा उनकी नज़रें जो पिंक में होती हैं। तो ये जो रूम है, सबसे पहले यहाँ पे एक रूम बनाया गया है जहाँ पर जो पीड़िताएं हैं या जो सुनने वाले हैं लोग उनके परेशानियों को सुनेंगे वो लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और अपनी परेशानियों को यहाँ पे बैठा सकते हैं। यहाँ पे कम से कम 10 से 12 जो लोग हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं, उनकी परेशानियाँ जो होंगी, क्योंकि भंगेल जो है वहाँ पे माना जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं वो लेकर महिलाएँ या बुज़ुर्ग जो है वो पहुँचते हैं। तो ये जो पिंक बूथ है वो उनके लिए वो यहाँ पर बैठ सकती हैं और अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बता सकती हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो उनसे वहाँ पर मिल सकते हैं उनको। तो ये एक रूम हो गया, उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीडिंग रेस्ट रूम यहाँ पे है। फीडिंग और रेस्ट रूम मतलब हो जाएगा कि जो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस रूम में अपने बच्चों को ले जाकर फीडिंग करा सकती हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सड़क पर या रोड पर बच्चों को भूख लग जाती है, तो ये जो रूम होगा यहाँ पर आके सिर्फ ये परेशानियाँ ही नहीं, जो प्रॉब्लम्स हर जगह की, मतलब खुले में लड़कियां मतलब दूध नहीं पिला सकती, अपने बच्चों को नहीं खिला सकती हैं महिलाएं, तो यहाँ पे आके अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। और रेस्ट रूम जैसे कि पीरियड्स हो जाते हैं बच्चियों को, क्योंकि ये जो पिंक बूथ है वो एक स्कूल में है, तो यहाँ पे अगर बच्चे हैं उनको पीरियड्स हो गए हैं या उनको पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे आके वो रेस्ट कर सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा रूम है जहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, इस बेड पे आके बच्चियाँ सो सकती हैं और जो उनको दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है या ऐसा लग रहा है उनके पैरों में दर्द हो रहा है तो वो यहाँ पे आके लेट सकती हैं। तो ये एक रूम हो गया। इसके अलावा एक और रूम है यहाँ पर, इसमें किचन, एक किचन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे करीब 11 पिंक बूथ बन चुके हैं और ये 12वां पिंक बूथ है। तो 12वें पिंक बूथ में एक चीज़ अलग देखने को यह मिली है कि यहाँ पर एक किचन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो पुलिसकर्मी उनके द्वारा पिंक बूथ में एक किचन, जहाँ पर जैसे बच्चों को भूख लग जाती है या कोई किसी को भी अगर भूख लग जाती है तो यहाँ पे वो गर्म कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैस और सिलेंडर की व्यवस्था भी की जा रही है, और ये जो रूम है यहाँ पर आकर आप अपनी जो भी आपको जैसे भूख लग गई हो या कुछ भी आपको काम हो आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे सिर्फ परेशानियाँ ही नहीं, जो आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है लड़कियों की उसको भी, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे करने का एक प्रयास जो है वो किया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो भी, मतलब ये सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया है, यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं स्पेशली लड़कियाँ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये लाभदायक होगा। यहाँ पे महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र भी बनाया गया है कि जब भी कोई किसी के साथ आएगा और अपनी जो भी उनकी परेशानी हो सुनेगा तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे जो भी डेकोरम है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डाल रखी हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक शौचालय है यहाँ पे, जो भी मतलब यहाँ पे बैठेगा या कुछ भी उसका इमरजेंसी
में जाना होगा तो वो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड है। तो एक बड़ा सा रूम है जहाँ पे आप आ सकते हैं, अपनी परेशानियों लेके आ सकते हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो अपनी परेशानियां चौकी या थाने में जाके नहीं बता सकती हैं, तो ये एक रूम मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि अभी मैम ने बोला कि दीदी, एक अगर छोटी बच्चियाँ हैं यहीं पे स्कूल है तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो एक दीदी उनको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आकर शेयर कर सकती हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा कि यहाँ पे जो भी बहुत पास में ही, क्योंकि बच्चियाँ बहुत दूर दूर से यहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए एक सोल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे आपने पूरा पिंक बूथ के बारे में जाना और जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, जो आप यहाँ पे आके उनसे पूछ सकती हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि पिंक बूथ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पिंक बूथ के जस्ट बगल में स्कूल में पढ़ रही कुछ बच्चियाँ, उनसे हम बात करते हैं। उनको कैसा लगा जो पिंक बूथ है, उसके बारे में उन्हें क्या क्या पता है। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है और जैसे पिंक बूथ का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है तो क्या जानती हैं आप इसके बारे में? मैम, पिंक बूथ वो क्या कहते हैं पुलिस चौकी बनने, उसका क्या कहते हैं उद्घाटन करने आए हैं यहाँ पे, और ये पुलिस चौकी बनने के लिए किया गया है। और पुलिस चौकी में क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग बिना हिचकिचाए कुछ भी अपनी परेशानी बता सकते हैं यहाँ पे। तुम्हारा नाम क्या है और जैसे पिंक बूथ के बारे में क्या सोचते हैं? मैम, मेरा नाम काजल है और पिंक बूथ हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें कहीं दौर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो हमारे स्कूल में ही बना और हम अपनी परेशानी आराम से बता सकते हैं। क्या क्या परेशानी है जो तुम यहाँ पे आके बताओगे? जैसे हमें बाहर किसी ने छेड़ा तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, और जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं, रास्ते में हमें कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, तो पिंक बूथ के अंदर गए थे, देखा था क्या कुछ है इसके अंदर? हाँ, यहाँ पे एक टेबल है, उसके अंदर ऑफिस बहुत मस्त है और यहाँ पे भी भंडारा वगैरह भी करवाया है। कैसा आज का दिन जो, क्योंकि स्कूल तुम्हारा खत्म हो चुका है ना, छुट्टी होने वाली थी तुम्हारी, इसके बाद अभी तुम लोग मतलब खड़े थे वहाँ पे देख रहे थे, तो कैसा फील हो रहा था यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हमारे स्कूल में ये सब हो रहा है। प्राउड हो रहा था काफी। हाँ, कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा प्राउड आ रहा था कि ये हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे बनाया गया है, हम अपनी जितनी परेशानियाँ यहाँ पे बोल सकते हैं और अगर किसी को दिक्कत हो तो हम उससे सलाह भी दे सकते हैं कि यहाँ के अपनी परेशानी बताओ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बना है और हमारे बहुत काम आने वाला है। बाकी बच्चियों से क्या कहना चाहोगी महिला सुरक्षा को लेकर? जैसे सर ने बोला कि महिला सुरक्षा यहाँ पे अपना ध्यान रखना चाहिए इंसान को, लड़कियों को खासकर अपना ध्यान रखना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर कुछ बताएं आपको उसके लिए, तो कैसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यही कि हमें पहली बात तो डरना नहीं चाहिए बोलने से कि हमें ये दिक्कत है या ये दिक्कत है, और अगर आप नहीं भी बोल पा रहे हो किसी को या आप नहीं आ सकते यहाँ तक, तो आप हेल्पलाइन नंबर डाल सकते हैं 1090 और आपको हेल्प मिल सकती है। कहाँ से आप पढ़ने के लिए आती हैं यहाँ पे? मैं यहीं से आती हूँ, सलारपुर नोएडा से। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ तक आती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हुई कभी? नहीं, कभी नहीं, पर अगर होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। क्या नाम है तुम्हारा? और अच्छा, तो आज इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पे पिंक बूथ का, तो कैसा लग रहा है तुम्हें कि कैसा, क्या ये काम आने वाला है या ऐसे ही है? यस मैम, काम आने वाला है। कैसे काम आओगी यहाँ पे अपनी परेशानी लेके? यस मैम। कौन कौन सी परेशानी? मैम मारेंगी तब भी आओगी क्या यहाँ पे? नो मैम। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिहाना है। जैसे यहाँ पे पिंक बूथ के बारे में जैसे सब बच्चियों ने बताया कि अपनी परेशानी लेकर आएंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे अधिकारी वगैरह आए यहाँ पे, क्या क्या बातें उन्होंने आपको बताई? उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्होंने बोला कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप इधर आके बिन हिचकिचाए बोल सकते हो। अच्छा, क्या क्या कौन कौन सी परेशानी लेकर आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे जो भी हमें जैसे हमारी अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी हम यहाँ पे बिन हिचकिचाए से बोल सकते हैं। मैम, जैसे हम इतनी दूर से आते हैं, हमको कोई छेड़ रहा है या फिर हमारे साथ मतलब बैड टच कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे आके बता सकते हैं बिन हिचकिचाए। तुम्हारे नाम क्या, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6B। 6B में पढ़ती हो, तो जैसे कि यहाँ पे एक रेस्ट रूम भी है जहाँ पे बच्चियाँ अगर उनके पेट में दर्द होता है तो वो यहाँ पे आ सकती हैं, पीरियड्स होते हैं तो कभी इस चीज़ से तुम्हें क्या कितना फ़ायदा मिलेगा? मैम बहुत। अच्छा, स्कूल में सोने के लिए मतलब लेटने के लिए नहीं है यहाँ पे मिलेगा, कैसा लगे क्या मतलब आओगे यहाँ पे? हाँ मैम। और बाकी बच्चियों से क्या कहना चाहती हो? बाकी बच्चियाँ आपको देख रही हैं, क्या करना चाहिए उनको? मैम उनको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। अच्छा, अपनी सारी परेशानी लेकर आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए।
बताओ क्या क्या मैम, अगर वो यहाँ मतलब कि यहाँ पर पहुँच भी नहीं पा रहे हैं तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकती है। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1090। 1090 पे आके डांस कर सकती है। तुम बताओ कि कैसा तुम्हें लग रहा है, बाकी बच्चियों से क्या कहना चाहती हो? शर्मा रही हो तो फिर कैसे अपना ध्यान रखोगी? बोलो क्या नाम है तुम्हारा? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, तो जैसे तुमने बताया बाकी सारी बच्चे कितनी खुश है इसको खोलते हुए, तो कैसा लगा तुम्हें आज जो प्रोग्राम हुआ उसके अलावा, और आने वाले समय में आप इसको कैसे यूज करोगी? जैसे हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम इधर आएंगे, अगर नहीं आ पाएंगे तो हम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे। कोई परेशानी होती है तो कौन से नंबर पे कॉल करोगे? 1090। बाकी लड़कियों को कहना चाहती हो कि वो यहाँ पे आके उन्हें कॉल करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए? देखिए, आज यहाँ पर सेंट्रल जोन के फेस सेकंड थाने के अंतर्गत भंगेल चौकी, जो हमारी तदर्थ आधार पर कार्यरत थी और काफ़ी संवेदनशील इलाका है पॉपुलेशन वाइज भी, क्राइम वाइज भी, फुटफॉल के हिसाब से भी, उसके नवनिर्मित चौकी का लोकार्पण किया गया है। अब हमारे यहाँ पर पुलिस की मजबूत सशक्त उपस्थिति दर्ज होगी, साथ ही साथ इसके सटे से इलाके में एक यहाँ पर पिंक बूथ भी आज से संचालित किया जा रहा है। चूँकि ये इलाका थोड़ा सा संवेदनशील प्रकृति का इलाका है, फैक्ट्रीज में आने जाने वाले स्किल्ड अनस्किल्ड महिला फोर्स की बहुत आयत यहाँ पर है, लड़कियों और बच्चियों का स्कूल कॉलेजेस में आना जाना रहता है, इसके मद्देनज़र इस पिंक बूथ में हमारी उपस्थिति सशक्त होगी। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जो सूचनाएं हैं इस पिंक बूथ के माध्यम से हम अवेयरनेस कैंपेन चलाकर और उसको भी प्रसारित करेंगे। आशा करते हैं कि इस पिंक बूथ के उद्घाटन से आज से यहाँ पे आती जाती बच्चियों, महिलाओं और कामकाजी जो हमारी शक्ति फोर्स है उसको हम एक सुरक्षा का एहसास दे पाएंगे। देखिए, हमारे जनपद में ये सारे पिंक बूथ जो आज हमने 11वां पिंक बूथ उद्घाटन किया है, ये पिंक बूथ सारे के सारे CSR और पब्लिक फंडिंग से हमने उपलब्ध कराए हैं। जहाँ पर भी हमारे महिलाओं का फुटफॉल अधिक है वहाँ पर ये आज कार्यरत हो रहे हैं, और इसके माध्यम से आती जाती महिलाओं को छोटी बड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हम करवा रहे हैं, समाधान करवा रहे हैं। महिला बीट अधिकारियों को भी बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है इन पिंक बूथों के माध्यम से, और उनका क्रिया कार्यकलाप भी, उनकी जो बीट में उपस्थिति है वो भी इसके माध्यम से हमारे लिए सुविधाजनक हो गई है। इस वक्त हम लोग भंगेल के कन्या इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। आज CP लक्ष्मी सिंह ने यहाँ पे पिंक बूथ का इनॉग्रेशन किया है, तो आज हम बच्चियाँ जो है यहाँ पे खाना खा रही हैं तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार इस बारे में। तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सृष्टि। अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में आज क्या हुआ है, क्या फंक्शन हुआ है? पुलिस लोग आए हैं हमारे स्कूल में। अच्छा, उन्होंने क्या क्या बताया आपको? 112 नंबर बताया उन लोगों ने, इस पर कॉल करना, और महिलाएं के लिए बताया था 1090 बताया था उन लोगों ने। तो अभी तुम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, और जैसे उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा पे ना अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए लड़कियों को, ये सब बातें बताई थी, कैसा लगा तुम्हें सब? बहुत अच्छा। और आगे क्या बनना चाहती हो? पुलिस बनना चाहती हो। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तो ये आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहती हो? मैम, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, और खाने को जो मिला वो भी अच्छा है। खाने को भी अच्छा मिला। तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हुआ उसको लेकर कैसा लगा? इतने सारे पुलिस वाले आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, क्या कुछ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आज? आज बहुत बातें सीखने को मिली, और हमें पुलिस का जैसे हेल्पलाइन नंबर ये सब नंबर हमें सीखने को मिला, और जैसे उन्होंने बताया था ना कि एक दीदी बैठेंगी वहाँ पर जो आपकी मदद करेंगी, तो क्या लगता है आपको कि आप मदद लेने के लिए जाओगे उनसे? यस मैम। ऐसा ये स्कूल के बगल में अगर ऐसा हुआ है तो कौन कौन सी तुम्हारी जो सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने बोला है उसको लेकर क्या जो बच्चियां हैं उनसे क्या बोलना चाहोगे? मतलब कैसा मतलब उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे रहना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो पिंक बूथ खुला है वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है? जाना है। और
किन किन परेशानियों को लेके जाओगी मैम? मारेंगी तब भी जाओगी? नो मैम। कब जाओगी? कब जाओगी? मतलब कुछ, मतलब वो वैसी कोई कुछ कहे जाओ। हाँ, कोई मतलब कुछ वो बदतमीजी किए इस मारे, कोई रास्ते में कुछ कहे, कोई मतलब गंदा टच करे। हाँ, वैसे इस मारे। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी कुछ छोटी छोटी बच्चियां जो कि अभी इस वक्त खाना खा रही हैं, और उनकी जो भी उनको समझ में आया, जो भी हुआ उसके लिए, तो उनको ये भी समझ में आया कि हेल्पलाइन नंबर क्या है और किस वजह से उन्हें पिंक बूथ का यूज़ करना है। तो मैं ज्योति कार्की, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।